सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटे, कल हमने बात की थी सरफेस टेंशन की। उम्मीद करता हूँ सबको आवाज़ सही आ रही होगी। हाँ बेटे, यानी कर देना मुझे मैसेज ना। वैसे मैं आज ये पूरी फाइल, जैसे देखो अभी मैंने सेकेंड ईयर की फाइल भेजी ना, तुम देखो शायद पहुँच गई होगी। हाँ देखो, सेकेंड ईयर की मैंने फाइल भेजी है, वो पहुँच गई। तो वो जैसे सेकेंड ईयर की मैंने भेजी है ना आज, वैसे ही अभी फर्स्ट ईयर की भी भेज दूंगा। तो मैं ग्रुप पे ही भेज दूंगा, तो तुम्हें 3 दिन का लेक्चर मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। अच्छा जी, हम आज बात करते हैं आगे की, के हमने कल जो बात की थी। मैं थोड़ा सा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ताकि बात याद आ जाए तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। हमने कल बात की थी सरफेस टेंशन की, ठीक है भाई। हमने कल शुरू किया था टॉपिक सरफेस टेंशन। मैंने ये बात बताई कल। हाँ बेटे, आज लाजिम भेजूंगा, आप बेफिक्र रहें, आप मेरी तरफ से मुतमईन रहें। मैं जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी, यहाँ क्लास एंड होगी, वहाँ आपको 2 से 3 मिनट में फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को परेशानी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने बस, आपने करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है। आप लोग सिर्फ यहाँ पढ़ो, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कल की बात, कि सरफेस टेंशन क्या थी। सरफेस टेंशन जो है भाई, वो हमारे पास, हमने बात की कि अगर नीचे के मॉलिक्यूल्स, देखो मैंने यहाँ डायग्राम बनाई थी, इसमें जो हाईलाइट हुआ है पिंक कलर से, वहां मैंने आपको ये बात कही थी कि ये जो ऊपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ये स्ट्रेस किस वजह से होता है, कि इनके दरमियान कोहेसिव फोर्स होती है। कोहेसिव फोर्स मैंने कल बताया था कि कोहेसिव फोर्स हम उन्हें कहते हैं जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो। जैसे वाटर के दरमियान, वाटर के साथ अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो कोहेसिव फोर्स कहलाती है। और मैंने एक और बताई थी एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कहते हैं उस फोर्स को कि एक कंपाउंड या एक एलिमेंट या एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से अगर कोई बॉन्डिंग हो रही है, वो कहलाती है एडहेसिव फोर्स। तो मैंने इसकी आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि अगर मैं एक ग्लास में पानी है, और अगर उसका एक ड्रॉप उस ग्लास की वॉल से चिपकता हुआ नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब उस कतरे पानी के कतरे में और ग्लास के दरमियान जो फोर्स है, वो एडहेसिव फोर्स है। तो ऊपर के मॉलिक्यूल, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, उन पर अगर कोई स्ट्रेस अप्लाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और जब कोई स्ट्रेस अप्लाई होता है ना, तो स्ट्रेस के अप्लाई होने से जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, वो भी क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। फिर हमने एक्सप्लेनेशन की, यूनिट्स की बात की, एडहेसिव कोहेसिव की बात की। हम बात करनी थी आज हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन की। तो मैंने कल थोड़ा सा कहा भी था आप लोगों को कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो फैक्टर है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स।
ठीक है जी, हमारा जो पहला फैक्टर है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या फर्क पड़ता है सरफेस टेंशन पे, हमने ये कल बात डिस्कस की थी। तो हेडिंग बना लेते हैं हम यहां पर इंटर, बल्कि इसका हम इस तरह से नहीं लिखते, हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑन होना चाहिए, वैसे इफेक्ट ऑफ होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैंने ये बात कल भी बताई थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के बढ़ने से, यानी अगर ज्यादा होंगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी, तो यानी सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम तो सरफेस टेंशन भी कम। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। हम इसकी वर्डिंग लिख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। तो मैं वर्डिंग इसकी लिख रहा हूं, सरफेस टेंशन मेनली डिपेंड्स अपॉन, सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करती है किस पर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर, अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे इसकी, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स the stronger the inward pull, यानी जितनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगी, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, उनके खींचने की वजह से एंड हेंस द हायर the surface tension, इसका मतलब ये हुआ कि water molecule की अगर मैं बात करूं कि water molecule और alcohol जो हमने पहले example दी थी, सही है, जो example मैं आपको दे देता हूं यहां पे दोबारा, example हमारे पास क्या होगी कि water have higher surface tension then ethyl alcohol, ठीक है। दोबारा यहां इसके स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं कि HOH, HOH, HOH और HOH, इसी तरह C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH और C2H5OH। अब आते हैं दूसरे कलर से कर लेते हैं काम, इनके दरमियान यहां कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें यहां पे इसके दरमियान हो रही है सिर्फ, नहीं बेटे बनाने की जरूरत नहीं है, ये फाइल अभी वैसे आपको मिल जाएगी ना तो टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं बस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। अब आते हैं हम बात करते हैं कि यहां देखो ना कि हम कोई और ऐसा कलर लें जो नजर आए, पर्पल ना जाएगा नजर। यहां पर एक दो तीन
चार चार बॉन्डिंग है, यहाँ कितनी है, दो बॉन्डिंग है। अब इसका मतलब यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, यानी इस वाले मॉलिक्यूल के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है और इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा, और इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कम। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अभी भी किसी को मसला है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, रिपीट करता हूँ, बिल्कुल चलें, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, चलें, दोबारा से सुन लें बात को, मैं दोबारा मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को बात दोबारा से समझ आ जाए। हाँ जी, यहाँ पे हाइड्रोजन था एक अदद, वो मिट भी है। देखिए भाई, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वो बॉन्ड यहाँ भी है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके दरमियान, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही एक तरह से इनकी कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स कौन सी होती है, तो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान अगर कोई अट्रैक्शन या कोई फोर्स है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी H2O है और ये भी H2O है, सेम मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान कौन सी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे कोहेसिव भी कहते हैं। अब इनके पास, इस मॉलिक्यूल के पास अगर मैं बात करूं तो चार हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं भाई, एक ये रहा, एक ये रहा, ये तीन और ये चार। इसी तरह इन चार मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां सिर्फ एक और ये दो, इसका इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। तो इसका मतलब कि अल्कोहल जो है, ये इथाइल अल्कोहल, इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है और वाटर के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, तो इसीलिए वाटर की सरफेस टेंशन क्या होगी, ज्यादा, और अल्कोहल की सरफेस टेंशन क्या होगी, कम। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस ज्यादा हैं। तो जिसके पास जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उसकी सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? अब आपके मैं बात करता हूं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर से क्या होगा। अब आते हैं टेम्परेचर, दूसरा इफेक्ट क्या है हमारा, टेम्परेचर। हाँ, एक तरह से टॉपिक विस्कोसिटी से रिलेटेड है ना, क्योंकि देखो वहां भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा है। फिर वहां पे भी यही बात थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स टेम्परेचर की वजह से वीक हो जाती है, यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाएगी। इसकी मैंने आपको एक कल एग्जाम्पल भी दी कि मैंने कहा कि लोग जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए एहतजाज के तौर पर, ठीक है, और मैंने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। अब मैं लोगों के हाथ पे मारूंगा तो जाहिर सी बात है, जब एक फोर्स अप्लाई होगी तो वो क्या करेंगे, अपने हाथों को छोड़ देंगे। या मैं इसकी और एग्जाम्पल दूं कि एक धागा है, उस धागे को अगर मैं जलाता हूं बीच में से तो क्या होगा, धागा टूट जाएगा बीच में से। यानी टेम्परेचर के, जब मैंने उन्हें टेम्परेचर दिया तो उनके दरमियान जो बॉन्ड था वो टूट गया। तो जब बॉन्ड टूट गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो गई। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगी तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। ठीक है भाई, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मेरे पास एक धागा है, मेरे पास क्या है, एक धागा, थ्रेड। उस थ्रेड को मैं दो हाथों से पकड़ूं और किसी को बोलूं नीचे से आग लगाए, माचिस से, लाइटर से, किसी भी चीज से, जब वो उसे जलाएगा तो वो दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा एक हाथ में आ जाएगा, दूसरा टुकड़ा दूसरे हाथ में आ जाएगा। यानी टेम्परेचर के देने से वो बॉन्ड टूट गया। इसी तरह से अगर मैं किसी कंपाउंड को टेम्परेचर दूंगा तो उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो टूट जाएगी। जब वो टूटेगी तो फिर विस्कोसिटी भी कम होगी और सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। यानी मैं इसको, बात को यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर, सरफेस टेंशन बढ़ाओगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसकी भी वर्डिंग लिख लेते हैं। चले भाई वर्डिंग लिख रहा हूं मैं इसकी भी, आप अपने पास कॉपी कर लिएगा। टेम्परेचर हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सरफेस टेंशन। ऑफ लिक्विड्स। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे, मैं जरा तमीज से लिख रहा हूँ वर्डिंग ताकि आपको हर चीज समझाने में भी आसानी हो जाए और समझने में भी आसानी हो जाए। उसी के आगे से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। अब ऐसा क्यों होता है इसकी हम बात करते हैं। अ राइज इन टेम्परेचर, अ राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, किसकी? मॉलिक्यूल्स की। देयर बाय डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगी? कम। And hence, the surface tension decrease. हाँ जी, क्लियर है भाई बात? मुझे ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है, जरा जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि इसके तीन रीजन है, वो रीजंस भी जो है मुझे आपको बताने हैं। लास्ट पैराग्राफ, अ टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, आ जाते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे। हमने सातवां पोस्टुलेट्स लिखा था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मूवमेंट बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या बढ़ जाएगी? मूवमेंट, यानी मूव करना शुरू कर देंगे। जब वो मूव करेंगे तो उनकी मूवमेंट की वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूट जाएगा। तो वो जो बॉन्ड बना हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्स का, ये जो उनके दरमियान जो फोर्स है जो एक दूसरे को रोके हुए थी, वो खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म हो जाएगी तो सरफेस के मॉलिक्यूल को वो खींचना कम कर देंगे। तो जब वो सरफेस के मॉलिक्यूल को खींचना कम करेंगे, जिससे उनकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी इसकी मैं बड़ी आम एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कल या परसों सईद गनी ये ऐलान कर दे कि भाई इस साल भी पेपर नहीं होंगे, आपके जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यार इस साल भी पेपर नहीं हो रहा, चलो पढ़ना नहीं है, टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, और यही मैं एक काम कर दूं कि सईद गनी साहब जो है वो आपको अनाउंस कर दें मंडे को कि भाई इस बार जो है वो पेपर जल्दी होंगे, तो टेंशन बढ़ गई। तो सईद गनी साहब ने क्या किया? टेंशन बढ़ा दी। टेंशन क्यों बढ़ी? जब अट्रैक्शन बढ़ गई। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके आते हैं कि टेम्परेचर, ठीक है जी, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या होगा? अगर हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ भाई, इस साल पेपर हो, अल्लाह करे हो भाई, वरना इस साल किस बेस पे पास करेंगे वो? ठीक है जी, तो पेपर तो होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, पेपर होंगे।
तो ये रोजमर्रा के एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके दरमियान की बॉन्डिंग टूट जाएगी, बॉन्डिंग टूटने की वजह से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था सरफेस टेंशन का टॉपिक। यहाँ से ना तीन रीजन आते हैं, रीजन आते हैं। पहला रीजन ये आता है कि वाई ड्रॉपलेट इज ऑफ स्फेरिकल शेप। जो हमारा ड्रॉपलेट है यानी पानी का कतरा, जब वो गिरता है तो उसका शेप स्फेरिकल क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर पौधे वगैरह हो, आपने पौधों को पानी वगैरह दिया, तो अक्सर एक लीफ पर ना एक ड्रॉपलेट बना होता है। वो ड्रॉपलेट का शेप स्फेरिकल क्यों है, उसकी वजह सरफेस टेंशन है। उसकी वजह क्या है, सरफेस टेंशन। होता यह है कि नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को वो अपनी तरफ खींचते हैं। उन खींचने की वजह से स्फेरिकल, बेटा स्फेरिकल मतलब गोल, जैसे अर्थ है ना, अर्थ स्फेरिकल है, फुटबॉल स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल यानी गोल। तो स्फेरिकल शेप अगर है तो उसका स्फेरिकल शेप क्यों है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है जी, तो यहाँ पेपर में रीजन आता है कि व्हाई दी शेप ऑफ ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल। पेपर में रीजन क्या आता है कि व्हाई दी ड्रॉपलेट ऑफ या व्हाई दी शेप ऑफ ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल। मैं इसकी अभी वर्डिंग लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पर रीजन शुरू हुआ यहाँ पे। रीजन्स में पहला रीजन क्या है, वाई शेप ऑफ ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल। ठीक है भाई, स्फेरिकल किसे कहते हैं भाई, ये है। ठीक है जी, अब होता क्या है। ठीक है जी, स्फेरिकल मैंने ये स्फेरिकल नहीं बनाया, ये भी सर्कल बनाया है। हाँ, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर भी कहते हैं। पेपर में दो तीन तरह से वर्डिंग आती है कि भाई वाई फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, वाई शेप ऑफ ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल। दोनों का मकसद देख ही है ना, मैंने वर्डिंग को शॉर्ट इसलिए कर दिया कि टाइम कम था। ठीक है, क्योंकि ये अपना हमारा जो जूम है उन्होंने दोबारा 40 मिनट की कर दी है ना, तो इस वजह से ये बड़ा मसला आ रहा है अब। तो 40 मिनट में जो है वो खत्म करना होता है टॉपिक, और अभी मेरे पास तकरीबन कोई 11-12 मिनट है, तो 11-12 मिनट के हिसाब से जो है वो मुझे, इसलिए मैंने छोटी सी बात लिखी थी कि वाई शेप ऑफ ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि जो स्फेरिकल एक शेप है ना, एक ज्योमेट्री है, और स्फेरिकल 3 डायमेंशनल होता है। अब होता क्या है मामला, मामला ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं जरा इस सर्कल को थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ ताकि बात समझाने में आसानी हो जाए। हाँ जी, इसके सरफेस पर भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जाम्पल। फिर नीचे भी होंगे, इसके नीचे भी होंगे भाई। और भी होंगे, ये सारे मैं बना देता हूं। पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी बेटे, मैं अभी पूरी वर्डिंग लिखवाऊंगा अभी आपको कि आपको लिखना क्या होगा। ठीक है जी, मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूं कि यहाँ क्या मामला है। इस मामले के लिए कोई कलर ऐसा जो अच्छे से नजर आ जाए, मेरे ख्याल से ग्रीन नजर आ जाएगा। अब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं इनको नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये भी पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, सबको ये पुल कर रहे हैं। इस पुल होने की वजह से इनकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मैंने आपको ये बात बताई कि सरफेस टेंशन जब बढ़ता है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। जब सरफेस टेंशन बढ़ती है, देखें भाई गौर से देख लें, मैंने यहाँ एरोस बनाए, कि सरफेस टेंशन जब बढ़ती है या सरफेस टेंशन जब बढ़ जाए तो जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा, यानी सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो जब सरफेस एरिया कम होगा तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, उस खींचने की वजह से ड्रॉपलेट का जो शेप है वो स्फेरिकल है।
ठीक है, ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स पानी के बाहर के जो मॉलिक्यूल्स को वो खींच रहे हैं अपनी तरफ, ड्रॉपलेट किसी भी चीज का हो, वो पानी का हो या कोई और कम लिक्विड हो, जिसका भी ड्रॉपलेट होगा वो हमेशा स्फेरिकल शेप का इसलिए होगा कि अंदर वाले मॉलिक्यूल्स बाहर वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और ये क्या बना लेंगे, और ये बना लेंगे हमारा क्या, एक स्फेरिकल शेप। कहां से? नीचे से। राउंड है पूरा ही तो, राउंड है नहीं तो भाई, हर जगह है ना, मतलब ये मैंने हर जगह एरोज नहीं बनाए भाई, ये भी कर रहा होगा, 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 ये भी कर रहा होगा। हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी एक टेंशन, सरफेस टेंशन होगी, ठीक है। मैंने बनाई नहीं, मैं समझा थोड़े से बनाने पे बात समझ आ जाएगी, हर जगह मौजूद होगी, ठीक है। तो इसकी वर्डिंग क्या लिखनी है, मैं वो वर्डिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, रीजन मैं इसका जो है वो नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग वहां पे लिख लें। तो अपने पास इसका रीजन लिखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर यहाँ आ रहा है इसका, फ्री फॉलिंग ड्रॉप फ्री फॉलिंग ड्रॉप हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज, नहीं बेटे बनानी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बनाई थी मैंने, आप लोग नहीं बनाओगे। हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज, बेटे मैं लिख रहा हूं आप लोग कॉपी कर लो, अजान हो रही है जब तक, ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं।
अच्छा जी, लिख लिया होगा आपने यकीनन ये। अब हमारे पास 10 मिनट बचे हैं भाई, जूम ने बोल दिया है 10 मिनट हैं आपके पास। हम एक और रीज़न को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो रीज़न है हमारा कैपिलरी राइज एक्शन। ठीक है जी, रीज़न क्या है हमारा, ये कैपिलरी राइज एक्शन से मुतालिक है। तो हमारा जो दूसरा रीज़न है वो डिपेंड करता है किस पर, कैपिलरी राइज एक्शन पर। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये कैपिलरी राइज एक्शन है क्या। कैपिलरी राइज एक्शन जो है ना, वो कहते हैं, जैसे मैं आपको इसकी आम एग्जांपल दूं, ठीक है बेटे, इंशाल्लाह मैं मिस को भी बोल देता हूँ ये बात मिस को मैं बोल दूंगा ताकि वो आज कर दें, और मैं आज अपने सारे लेक्चर, खैर मैं तो डेली बेसिस पर दे देता हूँ, अब वो अपलोड नहीं हो रहे हैं तो अब इसके लिए थोड़ा सा मसला हो रहा है, बट इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएंगे। आज मैं खुद जाऊंगा कैंपस और जाके वो उनको सारी फाइल्स देकर उनसे अपलोड करवाऊंगा लेक्चर्स को, तो इंशाल्लाह आज हो जाएगा काम। और हम इसका एक काम ये भी करेंगे कि अगर फेसबुक ग्रुप पे अगर आप नहीं भी हो तो मैं उनको ये कहूँगा कि ग्रुप पर, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उन पर वो एक एक लिंक दोबारा सेंड कर दें, ताकि आप जो है वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपकी यूट्यूब पर वीडियो खुल जाएगी। तो ये भी पॉसिबल है, अगर आप ग्रुप पे नहीं हो तो ये भी काम हो सकता है। हाँ जी बेटे, एफबी ग्रुप पर अपलोड होंगे, अपलोड तो खैर वो यूट्यूब पे होंगे, वहाँ पे जो है वो आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट यूट्यूब की वीडियो खुल जाएगी आपकी, तो आप लोग वहाँ पे लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, कैपिलरी राइज एक्शन कहते किसे भाई, आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं इसकी बड़ी आम एग्जाम्पल दूँ, बेटे नहीं लेना आज के स्क्रीनशॉट यार, अभी फाइल भेज दूंगा, क्लास खत्म होगी और टेंशन नहीं लो। अच्छा, कैपिलरी राइज एक्शन क्या होती है कि भाई छोटी छोटी वेन्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी वेन्स हैं, उन वेन्स के अंदर से पानी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन यानी अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करना शुरू कर देता है। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दूं कि भाई मेरे पास जो है वो एक कैपिलरी है, ठीक है भाई, ये एक कैपिलरी है मेरे पास। बेटे बताता हूँ, अभी ब्लॉटिंग पेपर तो अलग है ना, ब्लॉटिंग पेपर की कहानी अलग है। अब ये कैपिलरी है, और अगर अगर मैं इसे पानी में डाल दूँ, ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है, पानी है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स ना इसके ऊपर खुद ब खुद चढ़ना शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पानी यहां तक फिल हो गया खुद, ठीक है, कैपिलरी स्ट्रॉ को कहते हैं भाई, स्ट्रॉ की तरह की है। यानी अगर मैं स्ट्रॉ को जूस में डालूंगा फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी चीज में डालूंगा, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा सा लिक्विड लेवल के थोड़ा और ऊपर आ जाएंगे, उसे कैपिलरी कहते हैं। अब कैपिलरी बहुत पतली भी होती है, अलग अलग साइज की होती है कैपिलरी। तो जो कैपिलरी होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स खुद से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो जो लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है यानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसके पीछे भी कौन है, सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन होगा या नहीं होगा तो ये काम कैसे होगा। तो मैंने इसीलिए दो तरह की फोर्सेस समझाई थी आप लोगों को कि एक होती है कोहेसिव फोर्स और एक होती है एडहेसिव फोर्स। एक होती है कौन सी, कोहेसिव फोर्स, और एक होती है कौन सी, एडहेसिव फोर्स। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो कोहेसिव से, क्या एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो कोहेसिव से, तो ऊपर की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा, और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुई एडहेसिव से तो वो फ्लो नहीं करेगा। मैं अभी एक पिक्चर ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल नहीं रही, अगर वो मुझे मिल जाती ना तो मैं आपको दिखाता, मुझे जरा 2 मिनट दें, मैं ढूंढता हूँ। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स को दोबारा से रिपीट करता हूँ कि कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं और एडहेसिव फोर्सेस क्या होती है भाई। कोहेसिव फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान हो, और एडहेसिव फोर्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो। कोहेसिव फोर्सेस में क्या होता है भाई कि मॉलिक्यूल जो है वो, सॉरी, अगर सरफेस टेंशन की बात कर रहा था कि अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, कोहेसिव फोर्स कम होगी तो सरफेस टेंशन भी कम होगी। अब
कैपिलरी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया भाई, कैपिलरी जो है वो एक ट्यूब को कहते हैं, जैसे स्ट्रॉ है उस तरह की एक ट्यूब है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। अब कैपिलरी के अंदर अगर हम कैपिलरी को किसी लिक्विड के अंदर डालें तो लिक्विड उसमें ना फ्लो होना शुरू कर देता है। अब वो फ्लो किस बेसिस पर होता है? वो फ्लो होता है उस सूरत में कि अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो और कोहेसिव फोर्स कम हो तो लिक्विड जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। लिक्विड जो है वो क्या करना शुरू कर देता है? फ्लो करना शुरू कर देता है। नहीं मिल रही भाई मुझे वो डायग्राम, वो एक इमेज। अगर पानी कैपिलरी में आ गया तो वो कैपिलरी राइज एक्शन कहलाता है, ठीक है? पानी अगर कैपिलरी में आ गया तो उसे क्या कहते हैं? कैपिलरी राइज एक्शन करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कैपिलरी राइज एक्शन की, आप लोग लिखने पास लिखें, ठीक है? डेफिनेशन में या इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ। द टेंडेंसी of a liquid, the tendency of a liquid to elevate in a tube of a small diameter due to adhesion is called capillary rise action। इसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी राइज एक्शन। अच्छा ये बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी अभी क्योंकि 2 मिनट रह गए। मैं कोशिश करता हूँ कि इन 2 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बता दूँ। कोहेसिव ज्यादा होती तो फिर एडहेसिव यानी ये काम नहीं होता। हाँ जी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे 2 मिनट मैं जरा ये दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखें जी यहाँ 3 ट्यूब्स नजर आ रही हैं आपकी ना, ये एक, ये दो और ये तीन। तीनों के डायामीटर में फर्क है। इसका डायामीटर कम है, A1 वाली का डायामीटर कम है, 2 वाली बहुत चौड़ी है, 3 वाली थोड़ी कम चौड़ी है। तो देखें जितना कम डायामीटर होगा ना पानी उतना ऊपर तक फ्लो करेगा, यानी जितना कम डायामीटर होगा उसमें सरफेस टेंशन कम होगी। जितना कम डायामीटर होगा उसमें सरफेस टेंशन क्या होगी? कम होगी। तो वो मैक्सिमम लेवल तक क्या करेगा? ऊपर तक चला जाएगा। अब ये देखिए ये यहां तक आ गया, इसका डायमीटर कम था तो ये कम आया, इसका थोड़ा कम ज्यादा था यहाँ आ गया। तो इन तीनों में आप देख लें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि तीनों के डायमीटर चेंज हैं तो इसलिए तीनों के वॉल्यूम भी क्या हुए? डिफरेंट है। इसका डायमीटर यानी 1 वाले का डायमीटर कम था तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा एलिवेट हुआ, इसका बहुत ज्यादा था तो इसमें क्या हुआ? कम एलिवेट हुआ। और 1 और 2 के दरमियान वाला 3 है तो 3 में जो है वो 1 से कम और 2 से ज्यादा एलिवेट हुआ। तो देखो कैपिलरी राइज एक्शन क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की ये टेंडेंसी कि वो एलिवेट कर दे ट्यूब में ऑफ स्मॉल डायामीटर।
स्मॉल डायमीटर का होगा तो पानी ऊपर एलिवेट